साहस सरोकार। पंद्रह सितंबर को अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। उन्नाव में दंगल कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दंगल में पहलवानों ने दिखाया अपना दाव। दिल्ली में कुतुब मीनार के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई, साकेत कोर्ट ने 17 सितंबर को सुनाएगा फैसला। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर होगी कार्रवाई। विराट कोहली ने ट्विटर पर बनाया रिकॉर्ड, 5 करोड़ फॉलोवर्स हुए पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर औरैया से, जहां प्रसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार औरैया दौरे पर किया, जहां भारी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं प्रदेश सरकार की महंगाई भ्रष्टाचार पर आलोचना की। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें बताया कि आगामी 2024 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ना है या नहीं, ये सारे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। साथ ही ज्ञानवापी मामले पर कहा कि हम लोग समाजवादी हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम सभी जिलों में जाकर जो समाजवादी लोग हैं उन सबको एकजुट एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी की एक कोशिश में हम लोगों ने जो ये समीक्षा बैठक रखी, जो कि मैं नया प्रदेश अध्यक्ष बना तो जो नई कार्यकारिणी बननी है उससे मुलाकात करना, उससे रूबरू होना, और आने वाले समय में किस तरीके से निकाय चुनाव में हम लोग चुनाव लड़े, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव जीत के किसी तरीके से अपने लोगों की अगुवाई करने का काम करें। खबर गाजियाबाद से, जहां नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले बीजेपी के नेता को धमकी भरे पत्र मिले हैं। वहीं बीजेपी के नेता ने सारी जानकारी एक मीडिया चैनल के माध्यम से दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने 2 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो वह SSP आफा के बाहर आमरण अनशन करने की चेतावनी देंगे। नूपुर शर्मा जी का समर्थन किया है मैंने, कन्हैया लाल जी की, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की मौत पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, और आज भी मैं मुस्लिमों के खिलाफ जो गलत हैं उनके खिलाफ उठाता हूँ आवाज़ और उठाता रहूँगा। तो मुझे उस विषय में मुझे खत आया था कि कुछ दिन पहले, अब एक खत आया था 17 या 18 तारीख होगी उस दिन, तो मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। आदरणीय हमारे व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये कर दो। मैं तो सोच रहा था मजाक है ये, तो मैं रिपोर्ट कराया लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके 8 या 9 दिन बाद मुझे एक लेटर और आया, तब मैं थोड़ा सा कि परेशानी में आया कि ऐसा कुछ है। मैंने फिर भी उस पत्र को और एप्लीकेशन लगाकर मैंने साहिबाद थाने में दी, लेकिन साहिबाद थाने के इंस्पेक्टर ने, गाजियाबाद की पुलिस ने, किसी ने मेरे घर आके देखा तक नहीं। गोरखपुर में 27 समाधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मीटर रीडरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उपभोक्ता बिजली निगम के दफ्तरों पर शिकायत लेकर पहुंचे। उपभोक्ताओं के बिजली का बिल अधिक आने से लोग परेशान हैं, वहीं मीटर रीडिंग पर जो बिल दिखता है वो कम है। इन्हीं समस्याओं को लेकर उपभोक्ता दफ्तर में शिकायत लेकर पहुँचे थे। ये गड़बड़ी मीटर रीडर की वजह से हुई, और भी बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इन्हीं सभी मुद्दों पर राज्य मंत्री ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। हम लोगों ने सप्लाई जो दी हुई है, कहीं कहीं समस्या ये आई है वो लंबे समय से है, और हम लोगों ने रिवैम्प योजना में हम लोग उन्हें कवर भी कर रहे हैं। जैसे तार जो है वो कहीं बल्लियों पे गए हुए हैं, वहाँ पोल नहीं है, इस तरह की समस्या आ रही है। कहीं कोई मीटर रीडिंग की भी समस्या आ रही है, उस मीटर रीडिंग वाले में भी हम लोग जो सक्षम अधिकारी है उन लोग का, और मैंने 6 साल से बात करी है, हम लोग लगातार
ऐसी एजेंसियों पे जो कहीं कर रही है उन पे हम लोगों ने उन्हें दंड भी दिया है, उन्हें आर्थिक दंड भी दिया है। उन लोगों को वैसे भी हम लोग कभी कहीं कहीं हम लोग ब्लैक लिस्टेड भी कर रहे हैं ऐसी कंपनी। खबर देवरिया से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 3 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं चोर बड़ी जगहों पर अपना निशाना बनाया करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है। इससे पहले भी चोरों पर हमले से पहले कई मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया जनपद में स्वाट टीम और कोतवाली देवरिया थाने की संयुक्त टीम ने एक चोरी के गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पोजेशन से लगभग 15 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। ये जो चोरी का सामान है ये 11 मुकदमों से संबंधित है जो गोरखपुर और देवरिया जनपद में अलग अलग थानों में लिखे गए हैं। खबर लखनऊ से, जहां बास मंडी में स्थित होटल 9 इन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे के वॉशरूम में एक महिला का शव बरामद किया। साथ ही DCP पश्चिम ने ID बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक होटल है जिसका नाम जस्ट 9 इन है। इस होटल के कमरे में बाथरूम के अंदर एक युवती का शव मिला है। पुलिस को जैसे सूचना मिली है तत्काल मौके पर पहुंचकर FSL और लोकल पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस युवती के बारे में पता करवा रहे हैं। और अभी तक वहाँ जो होटल में कल रात में एक युवक के साथ आके रुकने की बात आई है, इन सभी का हम लोग डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही तथ्य प्रकाश में आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा के टेस्ट में 0 नंबर आने पर शिक्षिका ने उसे डांट दिया, जिस पर उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस टीचर ने इनको डांटा था कि काम नहीं कंप्लीट करो पॉइंट काट लेंगे। उसके बाद में ऐसे ही नॉर्मल एक टेस्ट हुआ तो उसमें 0 आए। उसमें मैम ने कहा, मैं उसमें गज़ल मैम ने भी डांटा इनको और उसी से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फरीदाबाद के लकड़पुर इलाके में वायरल वीडियो में युवक पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वायरल वीडियो बीते कुछ दिन पहले का है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई से पीड़ित असंतुष्ट हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित के चाचा ने बताया कि उसके भतीजे पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला हुआ, जिसके बावजूद भी पुलिस उसके 3-4 दिन तक घूमती रही लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में पीड़ित चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। पहले से ही वहाँ पर बंटी ने 4-5 लड़के और मौजूद कर रखे थे, खड़े कर रखे थे, तो ये प्री प्लान था उसका सारा। जैसे ही हमारा भतीजा घर के गेट के बाहर निकला तो वो 2-4 मिनट उनकी आपस में बातें होती रही। जब वो लड़के पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल पे आए हैं तो बंटी उन लड़कों को देखकर हौसला बढ़ गया और वो चिपट गया उनको, भतीजे को, जबकि बंटी ने जेब से चाकू निकाला और चाकू से वार करना शुरू कर दिया। अब लड़ाई झगड़े में चाकू उनके लोगों को भी लगा और हमारे भतीजे को भी काफ़ी गहरी चोटें आई है चाकू से। रेलवे फाटक के पास से 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था गाड़ी को आगे पीछे करने में, और इसी संबंध में उनका झगड़ा हुआ जो वीडियो वायरल हुई जो आप बता रहे हैं। इस संबंध में इंचार्ज दयालबाग चौकी द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें उनका मेडिकल वगैरह कराया गया है। लेटर ऑन दोनों पक्षों ने अपना समझौता कर लिया है जो इनकी आपसी जो कहा सुनी थी उसमें समझ। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जसवाल और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया गया इस अभियान में गुप्त सूचना पर हसनगंज हंसराज हॉस्पिटल के पास से एक बुलेरो वाहन से 2 क्विंटल अवैध गांजा की बरामदगी की गई है और मौके से एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर से पूछताछ में बताया गया कि यह गांजा हम लोग आंध्र प्रदेश से लेकर आ रहे थे, जिसके बाद
अलग जगहों पर तस्करी करते थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना कसिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रामेश्वर ओझा पुत्र सच्चिदानंद ओझा निवासी पबनौली थाना सिवरही कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 2 क्विंटल 91 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है और एक वाहन बोलेरो जिसमें उसके द्वारा परिवहन करके ले जाया जा रहा था जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। सिद्धार्थनगर में पुलिस सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। उपभोक्ताओं के खोए हुए 65 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट को बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में कई स्थानों पर गुम हुए थे जिसके बाद मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी पुलिस कार्यालय पर उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लिया है। इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी गई। साथ ही इन फ़ोनों को उसके असली उपभोक्ताओं को पुलिस अधीक्षक ने वितरित कर दिया। वहीं मोबाइल फ़ोन पाकर मोबाइल धारक के चेहरे पर बहुत खुशी है। सिद्धार्थनगर सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 65 मोबाइल और एक टैब बरामद कर जो खोए हुए थे उनके ओरिजिनल मालिकों को सुपुर्द किया है। जब इसकी जो बरामद किए गए मोबाइल और टैब है इसकी बाजार में कुल कीमत लगभग 7,10,000 होगी। इस वर्ष अब तक कुल 346 मोबाइल्स खोए हुए बरामद करके उनके ओरिजिनल मालिकों को प्रोवाइड किया गया। ये हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।